तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिरकार अगर आपको भी ग्रैंड मास्टर करना है सीएस रैंक पे इस सीजन, तो आप लोगों को टोटल कितने स्टार करने पड़ेंगे। और वैसे तो 6 टाइप के ग्रैंड मास्टर होते हैं सीएस रैंक पे, और ये 6 टाइप के ग्रैंड मास्टर आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और अब घबरा मत जाना 6 टाइप के ग्रैंड मास्टर सुन के, इनमें बस इतना ही फर्क होता है। जो ग्रैंड मास्टर 6 होता है उसका बैनर अवतार सबसे बढ़िया होता है, और जो ग्रैंड मास्टर 5 होता है उसका उससे कम, ग्रैंड मास्टर 4 का उससे कम, और ऐसे कर करके जो ग्रैंड मास्टर 1 होता है उसका बैनर अवतार सबसे बेकार होता है, मतलब उसमें बेकार तो गया सबसे कम एनिमेशन होती है। और ग्रैंड मास्टर 6 जो टॉप का होता है उसमें बहुत ज्यादा एनिमेशन होती है। तो सबसे पहले तो ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को ग्रैंड मास्टर करना क्यों है। मतलब आप लोगों को बस एक दो दिनों के लिए अपने आईडी में ग्रैंड मास्टर शो करवाना है तो आप लोगों को अलग स्टार करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को उसका बैनर अवतार चाहिए तो अलग स्टार करने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, अगर बस आप लोगों को एक दो दिनों के लिए ग्रैंड मास्टर शो करवाना है ना, और वीडियो वगैरह बनानी और अपने फ्रेंड्स के आगे मतलब शो वगैरह करना है, तो आप लोगों ने सीजन आने के बाद स्टार्टिंग के 3-4 दिनों तक ना आप लोगों को 95 स्टार लगा लेने स्टार्टिंग में, और आप लोगों का ग्रैंड मास्टर लग जाएगा 2-3 दिनों के लिए। उसमें आप वीडियो वगैरह बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के जला सकते हो, और स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो कि हाँ हमने भी कभी ग्रैंड मास्टर किया था। और अब अगर आपको ग्रैंड मास्टर का बैनर अवतार चाहिए ना, तो जैसे अभी मैंने बताया आपको 6 टाइप के ग्रैंड मास्टर होते हैं, मतलब 6 टाइप के ग्रैंड मास्टर के बैनर अवतार मिलते हैं। और जो सबसे मिनिमम वाला ग्रैंड मास्टर होता है मतलब ग्रैंड मास्टर 1, वो करने के लिए ना आप लोगों को मिनिमम 300 से 350 स्टार करने पड़ेंगे। और मैं ना आप में से बहुत सारे बंदों को एक डाउट होता है वो क्लियर कर देता हूँ कि आप में बहुत बंदे पूछते हैं कि हमने पूरे सीजन में एक बार ग्रैंड मास्टर टच कर लिया, मतलब आज ग्रैंड मास्टर किया और फिर वो हट गया, तो हमें ग्रैंड मास्टर का बैनर अवतार मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं मिलेगा आप लोगों को ग्रैंड मास्टर का बैनर अवतार। अगर आप लोगों को ग्रैंड मास्टर का बैनर अवतार चाहिए तो जिस दिन सीजन एंड हो रहा है उस दिन आप लोगों को ग्रैंड मास्टर होना चाहिए, मतलब जो लास्ट टाइम लास्ट वहां पे मिनट चलते हैं उस टाइम पे भी आप लोगों को ग्रैंड मास्टर पे होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं ग्रैंड मास्टर 1, 2, 3 इसका क्या सीन है। तो ये बताने से पहले अगर आप लोगों को भी एक न्यू सीरीज रैंक का ग्लिच जाना है, जिसके हेल्प से आज के टाइम पे सारे बंदे सीएस रैंक पे ग्रैंड मास्टर कर रहे हैं, तो आप ये आई बटन वाली वीडियो देख सकते हैं। और अब ये 6 टाइप के ग्रैंड मास्टर के बारे में भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो देखो, एक सर्वर में जो भी टॉप 10,000 बंदे होंगे ना, मतलब जिनकी भी रैंक सीएस रैंक पर सबसे ज्यादा होगी, उन टॉप 10,000 बंदों का ग्रैंड मास्टर लगेगा। और ये ग्रैंड मास्टर का 1 का बैनर अवतार लेने के लिए ना आप लोगों को टॉप 10,000 बंदों के अंदर होना चाहिए, 2 का बैनर अवतार लेने के लिए आप लोगों को 6,000 बंदों के अंदर होना चाहिए, ग्रैंड मास्टर 3 का बैनर अवतार लेने के लिए आप लोगों को 3,500 जो टॉप के बंदे हैं उनके अंदर होना चाहिए। और जो सबसे टॉप का ग्रैंड मास्टर होता है, मतलब जिसका बैनर अवतार सबसे बढ़िया होता है ग्रैंड मास्टर 6 का, वो करने के लिए आप लोगों को टॉप 300 बंदों के अंदर आना पड़ेगा। अब ये कैसे पता लगता है हम कितने बंदे के अंदर आ रहे हैं कितने बंदों के अंदर नहीं आ रहे, मतलब टॉप 10,000 बंदों के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो ये देखो, नॉर्मली सी बात है, ये ऐसे पता लगे, आप किसी भी ग्रैंड मास्टर वाले बंदे की आईडी इंस्पेक्ट करोगे ना, तो वहां पे उसका ग्रैंड मास्टर का लोगो बना होगा, उसके नीचे ना कोई नंबर लिखा होगा, बस वही उसकी रैंक है। जैसे अभी मैं इंस्पेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये ग्रैंड मास्टर टॉप 1 वाला बंदा है, तो इसके नाम के आगे वहां जो ग्रैंड मास्टर लिख रखा है बन रखा है उसके नीचे टॉप 1 लिख रखा है, और जो ग्रैंड मास्टर 100 वाला बंदा उसके नीचे 100 लिख रखा है। ऐसे जो भी मतलब बंदों की आप ग्रैंड मास्टर बंदों की आईडी इंस्पेक्ट करते हो ना, तो जितनी भी वो नंबर लिखा होता है उतनी उनकी रैंक होती है। और देखो, दिल्ली की इतनी गर्मी में पंखे बंद करके वीडियो बना रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप लोगों को भी सीएस रैंक का एकदम लेटेस्ट ग्लिच जानना है ना, तो आप ये ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो, और कौन कौन लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं एक बार ब्लू आउट कमेंट करके जरूर से बताना। और आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।